महादेव एस्ट्रो निशांत भारद्वाज और ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जितने लोगों ने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उनको कोटि कोटि अंतर मन से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और कॉन्ट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, करना चाहिए। और मेरा एक अनुरोध है आपसे कि एक मिनट का अपना वीडियो मुझे बना के भेजिए, इस चैनल के बारे में, इस पे दिए गए कंटेंट के बारे में, की गई भविष्यवाणियों के बारे में, मेरे बारे में आपको कैसा लगता है। आप दो तीन वीडियो भी बना के भेज सकते हैं। मैं शॉर्ट्स का एक चैनल शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं आप ही लोगों के वीडियो डालूँगा। अभी तक मुझे दो वीडियो प्राप्त हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि आप बाकी भेजिए जिससे मैं वो शुरू कर सकूं। आज की वीडियो में बड़ी पीड़ादायी घटना का उल्लेख है। भारत में राम जन्मभूमि पर जबरदस्ती मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उसे पुनः राम जन्मभूमि के रूप में स्थापित करने के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ा हमें, अपनी ही अदालतों में अपने ही लोगों से। और अभी हाल ही में पाकिस्तान की कराची में 150 साल पुराना मंदिर जो है शांति दूतों ने तोड़ दिया है। एक अमन प्रिय जो है, अमन पसंद देश बोलता है पाकिस्तान अपने आप को, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें। और ठीक है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उसका विरोध दर्ज कराया है, बट फ्रांस में कोई घटना हो जाती है, स्विट्जरलैंड में कोई घटना होती है, तो पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आके उसका विरोध करते हैं। इस्लाम के खिलाफ कैसे बोल दिया, बोलने भर से। और हमारा 150 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, किसी भी आदमी ने यहाँ पे कोई आवाज नहीं उठाई, खाली न्यूज चैनल में खबरें आई और चली गई। क्यों भाई, कम से कम आवाज तो उठाओ। मेरे पास ये जरिया है, मैं इसके जरिए आवाज उठाता हूं। आपकी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी तो ही पाकिस्तान पे दबाव पड़ेगा, वरना ये तो आए दिन की घटनाएं हैं। वहाँ की बच्चियों के साथ, वहाँ के मंदिरों के साथ, वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार होते ही रहते हैं, उनके विरुद्ध कौन बोलेगा और हम क्यों चुप रहते हैं। हमारे अपने देश में एक जैन साधु की हत्या कर दी गई मुसलमानों द्वारा, जितनी भी ये विपक्षी पार्टियां कोई बोली, और विपक्ष पक्ष को छोड़िए हम क्यों नहीं बोलते हैं, किस बात का डर है। अन्याय के खिलाफ झुकना सीख गए तो आप पे अन्याय होता ही रहेगा, इसके विरुद्ध आवाज उठाना सीखिए। लोग मुझे कहते हैं आप ज्योतिषाचार्य हैं, आपको बोलने का क्या मतलब है, आप अपने चैनल पे इन सब चीजों को क्यों बोलते हैं। अरे भाई, क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलो, हमारे आराध्य हैं वो। 150 साल पुराना मंदिर है, कोई 1000 साल पुराना मंदिर है, तोड़े जा रहे हैं, हमारी धरोहर है। पाकिस्तान की उम्र तो 70 साल है, 75 साल है, वो हमारी हजारों हजार वर्ष की धरोहर है, क्यों ना बोलूं उनके टूटने पे। पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई, सरकार अभी भी इंक्वायरी ही कर रही है, क्यों ना बोलें भाई। जैन साधु की हत्या कर दी गई, क्यों ना बोलें, और कौन बोलेगा। एस्ट्रोलॉजर होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं इंसान नहीं हूं, मुझे पीड़ा नहीं होती ये सुन के। आपको नहीं बोलना चाहिए, आप तो जो है आप आवाज क्यों उठाते हो, आप उठाएंगे नहीं, मुझे उठाने नहीं देंगे। आप तो इतना भी नहीं कर सकते कि कोई आवाज उठा रहा है तो उसका वीडियो शेयर ही कर दो। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि इस पे सबसे कम व्यू आएंगे इस वीडियो,
क्योंकि आप में से किसी की हिम्मत तक नहीं है कि आप शेयर कर दें। अफसोस है इस बात का। वीरा भोग्यंती वसुंधरा, अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो आपको वीर बनना पड़ेगा, अंदर से साहसी बनना पड़ेगा, स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। पराधीन सपने सुख नहीं। आप सोचोगे कि कोई मसीहा उतर के आ जाएगा और आपको बचा लेगा, नहीं बचाएगा। आप में बचने की इच्छा ही नहीं है। आप बैसाखियों के सारे चलना चाहते हैं, कितना लंबा चलेंगे भाई? और मैं आपको बता दूं, एज एन एस्ट्रोलॉजर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो घटनाएं पाकिस्तान में और अन्यत्र हो रही है, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। वो प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमने तोड़ लिया, हमारे यहाँ पे ये माइनॉरिटी में है, 21% से 1% पे आ गए हैं, अब इनको मार लेंगे, कूट लेंगे। थोड़े दिन की प्रसन्नता है। जिन लोगों ने तोड़ा है तो उन्हीं हाथों से दोबारा बनवाया जाएगा। और आपको आवाज उठानी पड़ेगी, वरना कुचल दिए जाओगे भाई। चारों तरफ से घिरे हुए हो आप। इज़राइल को देखिए, जरा सा कुछ हुए तो पूरा रिटालिएट करता है वो, और आप, आपके गले काटे जाते हैं और आप चुप रहते हैं, मोमबत्तियां लेके घूमते रहते हैं। इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि जंगल में सबसे सीधा पेड़ जो होता है वो पहले कटता है। और ये जंगल राज ही है। पाकिस्तान का तो खात्मा निश्चित है, उसे तो मतलब कोई नहीं बचा सकता उसे। और ये हरकतें जितनी ज्यादा करेगा उतने उसके पाप का घड़ा भरेगा। भर चुका है लगभग, थोड़ा बचा है। आपस में लड़ कट के मर रहे हैं, भुखमरी है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। खाने को दाने नहीं है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, देश का बुरा हाल है, भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और हरकतें, मंदिर तोड़ रहे हैं भाई, अत्याचार कर रहे हैं। तो तुम्हारा यही हाल होगा। जो अत्याचार करता है उसका अंत यही होता है। और अभी तो आप देखिएगा और कितना बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ये वही जनता है जो वहां खड़ी होकर मंदिरों को तोड़ती है। मंदिरों को तोड़ के तुम पूरी दुनिया पे गजवाए हिंद कर लोगे? भारत पे, अपने यहां पे जो बचे खुचे मंदिर हैं, जो 2-1% हिंदू हैं, उनको मार के तुम गजवाए हिंद कर लोगे? इतना ही कर सकते हो तुम। कायर हो, और तुम्हारी सरकार कायर है, हमारी कौम कायर है। मुसलमान तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, इस तरीके की हरकतें नहीं करते हो, क्योंकि वो तुम्हारी तरह पाकिस्तानियों कायर नहीं है। लाना है, कल एक दिन पहले तुम्हारा प्रधानमंत्री कहता है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे यहां सुरक्षित है, और दूसरे दिन तुम मिसाइलें चलाते हो और सरकार खामोश रहती है, तुम्हारे कोर्ट कचहरी सब खामोश रहते हैं। है न्याय तुम्हारे यहां? तुम दूसरों से न्याय की अपेक्षा रखते हो, सहयोग की अपेक्षा रखते हो? बहुत जल्दी तुम्हारा अंत नजदीक, लिख के ले लो। और मैं अपने देश में अपने देशवासियों से कहता हूं, हिंदुओं से और मुसलमानों से भी कहता हूं कि इसका विरोध होना चाहिए। तुलसी हाय गरीब की कभी ना खाली जाए, और मरे बैल की चाम सो लोह भस्म हो जाए। तो तुम जो हाय ले रहे हो, तुम उससे सुखी रह लोगे, खुश रह लोगे?
जानवर तुम नहीं छोड़ते, आदमी तुम नहीं छोड़ते, मंदिर तुम नहीं छोड़ते, बच्चियां तुम नहीं छोड़ते, इंसान कहलाने के लायक बचे हो। अंत निश्चित है पाकिस्तान का, और इतनी जितनी ये हरकतें करेंगे उतना अंत नजदीक आता जाएगा, क्योंकि इनका घड़ा भर रहा है, जितना जल्दी भरेगा उतना जल्दी फूटेगा। आज की वीडियो में इतना ही, क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत क्रोध में हूं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप इसे कम से कम शेयर तो करें, आप बोल नहीं सकते थे, आप अपना एक मिनट का वीडियो बना के भेजें, मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा शॉर्ट। आज के वीडियो में इतना ही, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। भैया महादेव।